Rahlı var araçı. Jean Perver. Sana pahadi jane se. Dilli ki şurada var. Ben kapıda change karke aa gayi hu. Bhai sahab bahut thanda hai yaar. Guys to ye mera second part hai video ka. Aur wo video काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए मैंने ये सेकंड पार्ट कर लिया है। तो अभी हमने टैक्सी ली है और अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड में और जो डायरेक्ट हमें गांव में पहुंचा देंगे। तो 5 बजे की है हमारी बस और अभी हम निकल रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ दिल्ली का ट्रैफिक। हमें कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से निकलने में। और एक और बात कि दिल्ली में हमारे काफ़ी रिलेटिव्स रहते हैं ना, तो वो भी शादी के लिए अभी आ रहे हैं गांव को, तो वो भी हमारे साथ ही आएंगे। तो भैया हैं, भाभी हैं और चाचा चाची हैं, तो मतलब हम बहुत सारे जने साथ में जा रहे हैं। और शायद मतलब जितना हो सकता है मैं उतना वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी क्योंकि अभी मैं उनके साथ इतना खुली नहीं हूँ ना, मतलब व्लॉग बनाने में। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा जब मैं गांव में जा कर के पहली बार ब्लॉग की स्टार्टिंग करूँगी। तो चलते हैं और मुझे कपड़े भी चेंज करना है। मैं गांव में ऐसे नहीं जा सकती हूँ, लवाज में बवाल हो जाएगा। राहुल वर अरची जीन्स पैरवेर ऐसा बोलेंगे, तो इसलिए अभी मैं वहाँ पे वॉशरूम मिलेगा तो जल्दी से जाके चेंज करूँगी, तो वहाँ जाके मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और अभी भैया लोगों के पास जा रहे हैं सामान ले करके। चलो पहाड़ी जाने से दिल्ली की शुरुआत हो गई है और अभी भैया लोगों के साथ जा रहे हैं। फील आ रहा है अब कि हाँ गाँव जा रहे हैं हम लोग। चलो तो मैं कपड़े चेंज करके आ गई हूँ उत्तराखंड की वहाँ से। तो अभी हम बस में जा रहे हैं, लेट हो रही है काफ़ी, कपड़े हम वहीं जाके रखेंगे। बाय बाय। हम बैठ गए हैं भैया दादा चाची। कौन है? तो अभी 5 बजे चलेगी गाड़ी, टाइम है अभी थोड़ा सा, तो हम लोग बैठे रहे। बड़े संस्कारी है भाई। चल चुकी है और हम निकल गए हैं अब घर की। और दिया हमने खाना भी नहीं खाया यार, अब रात को ही खाना होगा। अभी रुकती है गाड़ी चाय पानी के लिए और हम ढूंढ रहे हैं क्या खाए। चलो तो अब हम खाने वाले हैं चाउमीन, चटपटी खाने का मन है थोड़ा। चलो भाई चाउमीन तो खा लिया, कुछ और खाते हैं थोड़ा और भरते हैं पेट को। चलो भाई खा लिया, अब चलते हैं बस में। नींबू पानी के चलते हैं गाड़ी में बैठने के लिए, सब कुछ हमने कर लिया, अब आगे की हम लोग रुके हैं खाने के लिए। और यहाँ जज्बात बदल चुके हैं, कोहरा लगा है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यार। अभी अभी तो हम पता नहीं कहाँ पहुँचे, अभी गांव में जाते जाते क्या हाल होने वाले हैं समझ में नहीं आ रहे। खाना खाएंगे अभी फिर, बहुत ठंडा लग रहा है। गोवा से गांव के लिए चलो भाई, खाने में देखते हैं क्या है स्पेशल थाली। भाई साहब बहुत ठंडा है यार, थोड़ा देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं आप भाई साहब यार, यहाँ तो आकर के वो देखो, यहाँ पर आकर के जज्बा
जज्बात बदल चुके हैं हम वहाँ पे इतने गर्मी में, तो हम यहाँ के इतना ठंडा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और मेरी सॉक्स भी पीछे ही रह गई यार गाड़ी में, पता सोचो यहाँ पे अभी हम गांव में पहुँचे नहीं, गाँव का क्या होगा हाल। तो अभी चलते हैं, गाड़ी जा रही है, बाय बाय, मिलते हैं आगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं हल्द्वानी, और यहाँ उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, मगर उतनी नहीं है। कितने बज रहे हैं अभी? 12 बजे हम हल्द्वानी पहुंच गए। अब हम पहुंचेंगे डायरेक्ट अल्मोड़ा। अल्मोड़ा वालों, हाँ जी, मिल जाएगा तो चलो यार, मतलब मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि बैठे बैठे दर्द हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी चलते हैं, ठीक है। ठंड से बुरा हाल होते हुए मतलब यार मैं तो सो भी नहीं पा रही हूँ, और कपड़ों का आदम पजामा पहनना चाह रहे, ज्यादा ठंडा लग गया, बहुत ठंडा लग रहा है, माइनस में चल रहा है, मतलब हद से ज्यादा ठंडा लग रहा है, मेरे को तो सहन भी नहीं हो रहा। अभी भी हम अल्मोड़ा नहीं पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हम? लोधिया करके कोई गाँव है, वहाँ पर पहुँचेंगे, बहुत टाइम है यार अभी घर पहुँचेंगे। मेरे को तो इतनी सी भी नींद नहीं आनी ठंड की वजह से, और ये जनाब तो सोए रह रहे हैं। चलो चलते हैं, अब मिलते हैं आगे। हाँ जी, तो हम लोग पहुँच गए हैं अल्मोड़ा, और यार ठंड से बुरे हाल हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं यार। चाय पीते हैं थोड़ा, और फिर बैठते हैं गाड़ी में। चलो चाय पीते हैं। निकलते हैं बाग से, अब हम सोमेश्वर में रुकेंगे। मन लग रहा था चलो चलते, यह चलो चाची। चुके हैं सोमेश्वर, और ठंड से बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। और कुछ ही देर बाद हम घर पहुँच जाएंगे, और हम वॉशरूम ढूंढ रहे हैं, वॉशरूम नहीं मिल रहा है यहाँ पर यार। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर के पास, और वहां से आएंगे अभी लेने के लिए, और इतना सारा सामान है, अभी पहुंच चुके हैं। और यार सबसे अच्छी बात ये है कि रोड बन गई है, यहाँ रोड बन चुकी है, नहीं तो बहुत ही खचाड़ा थी, गड्ढे गड्ढे बहुत ही ज़्यादा, कोई खचाड़ा नहीं थी तो नहीं तो तू मार ले वही रखते हैं ना, अच्छी रोड थी तेरी। चलो भाई पहुँच गए भाई, ऐसी ठंडी हो रही है ना, क्या बताएं यार। अरे होंगे यार, आए क्यों नहीं? ठीक है, ज्यादा ठंडी नहीं है भी यार। हाँ हाँ, तो ये दे दो मुझे जो गले में लगा रखा है। देखो देखो, अनु अकेले ले आएगी। हमने कूली मंगाया है, तो आ चुके हैं कोहली जी।
हेलो नमस्ते प्रणाम प्रणाम पधारिए पधारिए बाल कट करके प्रणाम सासू माता लास्ट में पधारती हुई हाँ बिल्कुल नहीं हो रहा ठंडा तो उतार दो फिर कपड़े ठंड थप्पड़ पड़ रहे थे ठंडे के इतने जोर से ठंडा लग रहा था छोड़ के गई थी भाई इतना बड़ा हो गया शेरा पहचान भी नहीं रहा भाई पहचान नहीं रहा छोड़ो हंस दो देखो वीडियो में क्यों रो रहा है नराई ज्यादा लगी थी मेरी